हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो मूवी मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाली हूं वो है थाई हॉरर थ्रिलर मूवी द अनबॉर्न चाइल्ड, जिसका ओरिजिनल टाइटल है सॉप देख 2002। दोस्तों, अब ये 2002 क्या है ये आपको एंड में पता चलेगा, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। द अनबॉर्न चाइल्ड आई थी 2011 में और IMDb पे इसकी रेटिंग 4.4 की है और गूगल यूजर्स ने इसे 76% रेट किया है। इसके अलावा मूवी को थाईलैंड नेशनल फिल्म अवार्ड में नॉमिनेशन भी मिला था। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरकोस्ट राइड ऑफ दिस मूवी। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स के बारे में बता दूं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। जिसमें सबसे पहले एक फैमिली है जिसमें तीन मेंबर्स हैं। पहला है त्राय, जो कि एक फादर है और वो एक जर्नलिस्ट है। त्राय की वाइफ है पिम, जो कि एक टीचर है, और इनकी एक छोटी बेटी है जिसका नाम है येमाय। इसके अलावा हम दो और टीनेजर्स को भी देखते हैं जिनका नाम है बेन और क्वान। इसके अलावा हम एक लेडी को भी देखते हैं जिसका नाम है चेरिसा। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। कहानी शुरू होती है और हम चेरिसा को उसके घर में देखते हैं, जिसने एक इलीगल अबॉर्शन क्लिनिक बना रखा था और वहाँ वो एक इलीगल अबॉर्शन कर रही थी। यहाँ से सीन सीधे त्राय की फैमिली पे शिफ्ट होता है, जो अपने घर जा रहा था, जिसके साथ उसकी वाइफ और उसकी बेटी भी थी और वो काफी खुश लग रहे थे। ये माई उन्हें वहाँ पोयम सुनाती है कि तभी उसे बाहर एक छोटा बच्चा दिखने लगता है और वो उसके साथ साथ उसके घर के पास भी आ गया था। और ऐसा येमाय को लगता था, पर उसके पेरेंट्स को उसके अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था, इसीलिए वो लोग येमाय की बात पे इतना ध्यान नहीं देते और अंदर चले जाते हैं। अगले दिन भी हम येमाय को इसी बच्चे के बारे में बात करता हुआ देखते हैं, जिसे वो अपना छोटा भाई बता रही थी, लेकिन त्राय और पिम्प उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते और अपने अपने काम पे चले जाते हैं। इसके बाद हम पिम्प को स्कूल में देखते हैं और इसी स्कूल में बेन और क्वान भी पढ़ते हैं और दोनों की एज 16 साल की है। और क्वान बेन को बुला के एक सच्चाई बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनने के बाद बेन काफी डर जाता है और वो डर के मारे क्वान को इसका हल खुद ढूंढने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। क्वान अपनी प्रेगनेंसी से पहले ही परेशान थी और अब बेन के चले जाने की वजह से वो और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो अपनी एक फ्रेंड से हेल्प मांगती है, जिसने चेरिसा से एक बार अबॉर्शन करवाया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चेरिसा से अबॉर्शन करवाना सेफ नहीं था, क्योंकि जिस लड़की ने चेरिसा से अबॉर्शन मूवी की स्टार्टिंग में करवाया था, उसकी मौत हो गई थी इलीगल अबॉर्शन और अबॉर्शन ढंग से ना हो पाने की वजह से। जब त्राय को ये बात पता चलती है तो वो वहाँ जाता है, क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट था, और वो उस लड़की की डेड बॉडी के पास जाता है। इस बीच वो बॉडी दो बार हिलती है, जिससे त्राय डर जाता है। यहाँ से सीन पिम्प और येमाय पे फोकस होता है, जहाँ वो कुछ सामान लेने आई थी, जहाँ येमाय को वही बच्चा दिखने लगता है और वो उसके साथ चली जाती है। वो उसे अपना छोटा भाई कह के बुला रही थी, लेकिन हम वहाँ किसी को भी नहीं देखते। येमाय के एकदम से गायब होने की वजह से पिम्प इधर उधर उसे देखने लगती है और काफी ढूंढने के बाद पिम्प को येमाय एक टेंपल के पास बनी हुई सेमिटरी के पास मिलती है। तभी वहाँ उसके सामने एक कुत्ता अपने मुंह में एक फीटस को लेकर फेंक जाता है। दोस्तों, फीटस यानी वो पेट का बच्चा जिसका जन्म ना हुआ हो। फीटस को देखकर पिम्प काफी डर जाती है और जल्दी से वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एक मॉडल को देखते हैं जो चेरिसा के पास अबॉर्शन करवाने आई थी, और वो पहले भी चेरिसा के पास अबॉर्शन करवाने आ चुकी थी और इस बार वो फिर से प्रेग्नेंट थी और उसके बॉयफ्रेंड ने इस बच्चे को रखने से साफ इनकार कर दिया था, और अब इस मॉडल का करियर भी खतरे में था। अगले सीन में त्राय जब घर पहुंचता है और पिम और येमाय से पूछता है कि वो कहां गई थी, जिसके जवाब में उसकी बेटी उसे ये बताती है कि उसे उसके छोटे भाई ने बुलाया था और वो उसी के साथ खेलने गई थी। ये सुनकर त्राय येमाय को ये समझाता है कि उसका कोई भी छोटा भाई नहीं है और वो ऐसे अब कहीं नहीं जाएगी। समझाते समझाते पिम येमाय का बैग चेक करने लगती है, जिसमें उसको एक डेड फीटस दिखता है, जिसे देखकर वो एक बार के लिए डर जाती है। लेकिन जब त्राय उस बैग को चेक करता है तो उसमें सिर्फ एक टॉय था, जिसे ये माई उस सेमेटरी से लाई थी, और वो उसको अपने छोटे भाई का टॉय बता रही थी जो सिर्फ उसे दिख रहा था। अब मूवी ऐसे ही आगे बढ़ती है, जहां हम नेक्स्ट सीन में क्वान को देखते हैं, जो चेरिसा के पास अपना अबॉर्शन करवाने आई थी। यही नहीं, अबॉर्शन होने के बाद वहाँ बेन भी आ जाता है, क्योंकि उसे रियलाइज हो गया था कि उसने काफी बड़ी गलती की है क्वान को प्रेग्नेंट करके और उसे ऐसी हालत में छोड़कर।
अबॉर्शन के बाद बेन क्वान को संभालता है और उससे सॉरी मांगता है, जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाता है। अबॉर्शन की वजह से क्वान की हेल्थ अच्छी नहीं थी, पर वो फिर भी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी क्योंकि अगर वो वहां गई तो उनके पेरेंट्स को पता चल जाएगा। इसीलिए वो घर पे क्वान को कुछ दवाइयाँ लेकर देता है। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि चेरेसा जिनका अबॉर्शन करती थी उन फीटस का वो क्या करती थी। जिसका जवाब ये है कि चेरेसा उन सारे फीटस को लेकर उसी सेमेटरी में रखवा दिया करती थी जिसमें उसकी हेल्प वहाँ का एक केयर टेकर करता था। वो रोज आने वाले फीटस को कैलेंडर पे नोट करता था और बाद में उन्हें सेमेटरी में ले जाकर जला दिया करता था। ऐसे ही वो रोज कुछ फीटस को ले जाकर वहाँ जला दिया करता था, जिसके बाद चेरेसा उसे पैसे दिया करती थी। मूवी अब त्राय के घर पर फोकस होती है, जहाँ वो लोग सो रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक बच्चे की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है और उसे सुनकर पिम जाग जाती है और अब त्राय भी उठ गया था। वो ये चेक करने के लिए ईएमआई के रूम में जाता है कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है, पर उसे ईएमआई उसके रूम में नहीं मिलती और वो दोनों ईएमआई को ढूंढने लगते हैं। और काफी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें ईएमआई बिल्डिंग के कुछ कॉरिडोर की क्लिफ के पास मिलती है और इस बार भी पूछने पे वो यही बताती है कि उसे उसका छोटा भाई खेलने ले गया था। और ठीक ऐसा ही नेक्स्ट डे इवनिंग में भी होता है, जहाँ ईएमआई खेलते खेलते घर के बाहर चली जाती है और नीचे पार्क में एक झूले पे झूलने लगती है और उसके हिसाब से उसका छोटा भाई वहीं था। तभी हम ईएमआई को जोर जोर से रोता हुआ देखते हैं, जिसकी आवाज़ घर तक जाती है और त्राय उसे सुन लेता है। और पिम भी अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, पिम उसे नीचे त्राय के साथ देखती है तो उसकी जान में जान आती है। ऊपर आने के बाद भी ईएमआई अपने छोटे भाई के बारे में बताती है तो त्राय कहता है कि ये उसका भ्रम है और उसे फिर से इस तरह कहीं भी जाने के लिए मना कर देता है। पर अब त्राय को भी लगने लगा था कि कुछ तो है जिससे ईएमआई बार बार अपने आप चली जाती है, इसीलिए वो पिम को उसका ध्यान रखने के लिए कहता है। अगले दिन स्कूल में पिम अपने क्लासरूम के बाकी बच्चों से बेन और क्वान के बारे में पूछती है, पर किसी को कुछ नहीं पता था। जिसके बाद वो उनके घर जाके देखती है, जहाँ उसे सारी सच्चाई पता लगती है। जिसके बाद वो सबसे पहले क्वान को हॉस्पिटल में एडमिट करती है, जिससे उसकी हेल्थ में काफी सुधार आता है और वो बेन को उसकी लापरवाही के लिए डांटती है। अगले सीन में हम उसी सेमेटरी को देखते हैं, जहाँ केयर टेकर फीटस को जला रहा था, लेकिन इस बार आग नहीं जल रही थी, इसीलिए वो उन्हें ऐसे ही रखना शुरू कर देता है और वापस अपने रूम में चला जाता है, जहाँ उसे एक इनविजिबल एंटिटी डराने लगती है और उसे बच्चों की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जिससे डरकर वो अगले दिन चेरेसा की मदद करने से मना कर देता है क्योंकि उसे अब ये लगने लगा था कि ये सब गलत है। लेकिन चेरेसा उसे ये कह के मना लेती है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो बस उन लड़कियों की इज्जत बचा रही है जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं लेकिन बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकती, और उसके बदले में वो उसे पैसे भी दे रही है। केयरटेकर के काफी मना करने के बाद भी चेरेसा उसे समझा कर फिर से फीटस को ठिकाने लगाने के लिए दे जाती है, जहाँ केयरटेकर को फिर से बच्चों की हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगती है और वो उस पॉलिथीन को वहीं डालकर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन त्राय अपने कलीग के साथ वीडियो कॉल पे कुछ डिस्कस कर रहा होता है कि इसके कलीग को उसके पीछे ईएमआई दिखने लगती है, पर ईएमआई तो पिम के साथ क्वान के पास गई थी और ये बात त्राय को काफी स्ट्रेंज लगती है, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं दिख रहा था। लेकिन त्राय उसके कलीग के पीछे एक बच्चे को देखता है, जिसे सुनकर उसका कलीग एक बार के लिए डर जाता है, लेकिन उसके पीछे भी कोई नहीं था और वो त्राय को ऐसा मजाक करने के लिए मना करता है क्योंकि उसे अभी भी ईएमआई उसके पीछे दिख रही थी। और जैसे ही त्राय पीछे देखता है तो उसे एक परछाई दीवार में गुम होती दिखती है। ये देखकर वो काफी डर जाता है और उसकी वीडियो कॉल भी डिस्कनेक्ट हो जाती है। तभी पिम घर आती है, जिसके बाद त्राय एक वीडियो रिकॉर्डर लेकर उसी दीवार की तरफ ऑन करके छोड़ देता है और एक रिकॉर्डर अपने रूम में भी लगाता है, जिसके बाद वो सोने चला जाता है। पर वो रिकॉर्डर बार बार गिर जाता है, इसीलिए एंड में थक हार के त्राय जाके उसे देखने लगता है और उसे देखते देखते वो भी सो जाता है, जिसके बाद वो रिकॉर्डर फिर से गिर जाता है। रात में त्राय की आँख एकदम से खुलती है और वो फिर से उस रिकॉर्डर को गिरा हुआ देखता है। त्राय उसे उठाकर उसमें रिकॉर्ड हुई रिकॉर्डिंग को देखने लगता है, जिसमें वो ईएमआई को बालकनी की क्लिफ पे चढ़ा देखता है, जिसके बाद वो उसे जल्दी से उतारता है, जिसके बाद वो उस दीवार वाले रिकॉर्डर को चेक करने जाता है, जिसमें वो फिर से एक स्पिरिट को उस दीवार में गायब होता देखता है। इससे त्राय काफी डर जाता है, इसीलिए वो जल्दी से बाहर आता है ताकि वो पिम और ईएमआई को संभाल सके।
लेकिन बाहर आते ही हम देखते हैं कि उस स्पिरिट ने पिम्प को पोजेस कर लिया था, जिससे पिम्प का स्वभाव एक बच्चे की तरह हो गया था। यही नहीं, वो स्पिरिट चेरिसा को भी क्लिनिक में हॉन्ट करती है। वो चेरिसा को वही दर्द देना चाहती थी जैसा कि उन औरतों को एबॉर्शन के वक्त होता है, लेकिन चेरिसा किसी तरह अपने आप को बचा लेती है और वो उस स्पिरिट से माफी मांगती है कि उसने ये सब सिर्फ उनके माँ बाप के कहने पे किया। वो स्पिरिट से कहती है कि वो जाए और उनसे बदला ले। ये सुनने के बाद स्पिरिट चेरिसा को छोड़कर वहाँ से चली जाती है और अब वो स्पिरिट उस मॉडल को हॉन्ट करती है। वो उसे स्विमिंग पूल में डुबाने की कोशिश करती है और उसे ये दिखाती है कि वो पूल खून से भर गया है, जिसके बाद वो स्पिरिट उसे अंदर खींच लेती है। यहाँ से सीन त्राय पे फोकस होता है, जिसे वो स्पिरिट बेहोश करके वहाँ से चली गई थी और अपने साथ पिम्प और येमाई को भी ले गई थी। अब पिम्प और येमाई के घर पे ना मिलने पे त्राय उन्हें वहाँ ढूंढने लगता है और तभी उसे उसी सेमेटरी की याद आती है, क्योंकि पिम्प जब पोजेस्ड हुई थी तो वो एक बच्चे की तरह बिहेव कर रही थी, यानी ये स्पिरिट एक बच्चे की है। इसीलिए त्राय जल्दी से उस सेमेटरी जाता है और पिम्प को उसी सेमेटरी में ढूंढने लगता है। पिम और येमाई वहीं पे थे। वो दोनों उसी सेमेटरी के कैबिन 9 में थे, जहां वो केयरटेकर उन पीटर्स को रखता था, जहां पिम को एक घोस्टली फिगर खींचने लगती है, जिसे डरकर वो चिल्लाने लगती है और त्राय उसकी आवाज सुन लेता है और उस कैबिन से उन्हें बाहर निकालता है। येमाई को निकालने के बाद येमाई उससे पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करता है, जिस पे त्राय हाँ कहता है। तभी येमाई की आवाज भूत की आवाज में बदल जाती है और वो त्राय को फादर कह के पूछती है कि क्या वो उसे प्यार नहीं करता। तभी हम असली येमाई को पिम की गोद में देखते हैं और त्राय के हाथ में जो था वो एक फीटस था। इसके बाद वो फीटस त्राय को हेलुसिनेशन दिखाता है, जिसमें वो कई सारे फीटस को देखता है जो उसे पकड़े हुए थे, जो उसे खाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ त्राय की हेलुसिनेशन थी और कुछ देर तक उसी हेलुसिनेशन में रहने की वजह से वो कोमा में चला जाता है। इसके बाद हम बेन और क्वान को देखते हैं जो हॉस्पिटल में थे। बेन क्वान से माफी मांगता है क्योंकि उसने प्रोटेक्शन यूज नहीं करी, जिसकी वजह से क्वान को परेशानी हुई और एबॉर्शन कराने की वजह से वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। उसी हॉस्पिटल में हम त्राय को एडमिट देखते हैं, जो कोमा में था और उसकी आंखें खुली थी जो कि ऊपर की तरफ थी, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अभी भी उसी हेलुसिनेशन में है। त्राय के साथ ही हम उस रूम में उस मॉडल को भी एडमिट देखते हैं और दोस्तों वो भी त्राय की तरह कोमा में थी और उसकी आंख भी ऊपर की तरफ थी और वो मॉडल फिर से प्रेग्नेंट थी। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि पुलिस उस सिमेटरी पे छापा मारती है, जहां उन्हें 2002 फीटस मिलते हैं। जी हाँ, जैसा कि इसका टाइटल है, सोपटेक 2002, 2002 यानी कि 2002 मरे हुए फीटस जो कि पुलिस को मिले हैं। चेरिसा ने टोटल 2002 एबॉर्शन करे थे जो केयरटेकर ने गिने थे। चेरिसा पुलिस को बताती है कि उसके मुताबिक ये गलत नहीं है, वो बस लड़कियों का एक बोझ कम कर रही थी। यही नहीं, वो ये भी बताती है कि वो एक नर्स थी और उसकी माँ भी यही काम करती थी। इसके बाद हम एंड सीन में एक डिस्क्लेमर देखते हैं, जिसमें लिखा था कि थाईलैंड अनप्रोटेक्टेड फिजिकल रिलेशंस में 3 नंबर पे आता है, जहाँ हर साल 3 लाख से भी ज्यादा इलीगल अबॉर्शन होते हैं और इसमें वहाँ के टीनएजर्स का काफी बड़ा हाथ है। और दोस्तों, इस मूवी में दिखाई गई स्टोरी रियल है और वो ये है कि बैंकॉक के एक बुद्धा टेंपल के पास की सेमेटरी में 2002 इलीगल एबॉर्टेड फीटस मिले थे। इस कहानी के अलावा एक और कहानी भी है कि थाईलैंड की एक लेडी को अबॉर्शन के बाद उसके मरे हुए बच्चे की आवाज सुनाई देती थी, जिसके बाद उसकी जिंदगी हेल बन चुकी थी। आई नो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर वो स्पिरिट किसकी थी और आखिर एंड में क्या हुआ, तो मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल त्राय और उस मॉडल का अफेयर चल रहा था और वो मॉडल त्राय से प्रेग्नेंट हो गई थी। त्राय ने डर के मारे उसका एबॉर्शन चेरिसा से करवा दिया था। यही नहीं, वो मॉडल त्राय से दोबारा प्रेग्नेंट थी और त्राय उसका फिर से एबॉर्शन करवाना चाहता था, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो उसे शायद छोड़ देता, क्योंकि उसे सिर्फ ये माई का चाइल्ड चाहिए थी, जबकि उस मॉडल को वो बच्चा चाहिए था। इसीलिए इस मूवी में जब ये माई अपने भाई के बारे में बात करती है तो त्राय उसे बार बार यही कहता है कि उसका कोई भी छोटा भाई नहीं है, और त्राय ने साफ साफ ये कहा था कि उसे ये माई के अलावा कोई भी एज अ चाइल्ड नहीं चाहिए। त्राय ने अपने ही बच्चे का अबॉर्शन करवा दिया था
इसीलिए उस बच्चे की स्पिरिट अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी और ये माई को उसका भाई बता रही थी। नाउ गाइस, ये मूवी अच्छी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके अलावा हमने इस मूवी में लोगों की लापरवाही को देखा, जैसा कि बेन ने क्वान के साथ किया। उसने प्रोटेक्शन यूज नहीं करी, जिसकी वजह से क्वान प्रेग्नेंट हो गई और चेरिसा से इलीगल अबॉर्शन कराने की वजह से अब वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। तो दोस्तों, अब मेरा आपसे एक सवाल कि इस मूवी में सबसे बड़ी गलती किसकी थी, त्राई की जिसने अबॉर्शन दो बार करवाया या फिर चेरिसा की? अपने जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन थाई हॉरर मूवी अनबॉर्न चाइल्ड को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।